आर्यन खान की बेल पर आज जो है हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हम आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट और स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट इन दोनों ने ही आर्यन की बेल को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। और वकीलों की एक पूरी टीम तैयार की गई है, जिसमें सतीश माने शिंदे, अमित देसाई के साथ साथ जो है मुकुल रोहतगी का नाम भी शामिल है। आज जो रिप्लाई फाइल किया गया है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन पर एनसीबी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रिया के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर जमानती होते हैं। तो उन्होंने अपने रिप्लाई में रिया के केस का हवाला दिया है और कहा है कि कोर्ट इससे पहले भी कह चुका है कि एनडीपीएस के तहत जो भी है सभी अपराध गैर जमानती हैं। वहीं हम आपको बता दें कि शाहरुख और आर्यन के सपोर्ट में मन्नत के बाहर जो है पूरा फैंस का तांता लगा हुआ है और लोग लगातार जो है इस बात की मांग कर रहे हैं कि आर्यन को जमानत दी जानी चाहिए। एनसीबी ने आर्यन खान ड्रग केस में अपना जवाब दाखिल किया और एनसीबी के जवाब के बाद आर्यन के वकील ने भी अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें ये साफ साफ कहा है कि प्रभाकर या किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है और जो इस पूरे केस में राजनीति हो रही है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो आर्यन खान केस में अब आर्यन के वकीलों ने ये साफ कर दिया है कि जितने भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं। वहीं रिया के केस का जिक्र जो है एनसीबी ने अपने रिप्लाई में लिखा है।